नमस्कार दोस्तों दो महत्वपूर्ण खबरें हैं पहली ख़बर जम्मू कश्मीर से है देखिए जम्मू कश्मीर को लेकर अभी हाल ही में आ, अमित शाह वहाँ पर गए थे जिन्होंने दो दिन का दौरा किया था कुछ जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया था और आपके याद होगा कि जब वो जनसभा को संबोधित करने के लिए गए थे तो उन्होंने अपने सामने जो बुलेट प्रूफ कांच लगाया गया था उनकी डैस पर उसको हटवा दिया था अमित शाह ने और कहा था कि अब जम्मू कश्मीर में मैं खुलेआम घूम सकता हूँ मुझे यहाँ पर इस तरह की सुरक्षा की ज़रूरत महसूस नहीं होती एक ब्रेव स्टेटमेंट था उनका और उनके लिए इस तरह का स्टेटमेंट बनता भी है क्योंकि अमित शाह पर दारोमदार है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 370 उन्होंने हटाई थी 2019 में अगस्त में उसके बाद से वहाँ को हालात जितने भी हुए हैं वहाँ के उनको नॉर्मल करने के लिए और उन्हें पुनः मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर के सारे पॉलिटिकल सेटअप को लाने के लिए सारी जिम्मेदारी अमित शाह पर है अमित शाह जब गए थे बहुत सारी चर्चाएं थी लोग ये कह रहे थे कि वो घोषणा करके आएंगे जो यहाँ पर बकरवाल हैं गुज्जर हैं पहाड़ी लोग हैं उनको आरक्षण का ऐलान करेंगे उन्होंने हिंट सारे दिए थे लेकिन कोई बड़ा ऐलान नहीं किया था लेकिन एक ऐलान जम्मू क्षेत्र में आपको पता ही होगा कि प्लेन का इलाका जम्मू है जहाँ पर हिंदू बहुल आबादी है और श्रीनगर जहाँ पर घाटी का इलाका है जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है बीजेपी जम्मू इलाके में मजबूत रही है बीस पच्चीस तक सीटें जीती हैं विधानसभा की लेकिन श्रीनगर इलाके में घाटी के इलाके में कश्मीर वाला जो इलाका है वहाँ पर वो ज़्यादा सफलता नहीं हासिल कर पाई है लेकिन एक डिसीजन अभी हाल में ऐसा हुआ है एक आदेश ऐसा आया है कि जिसने सारे राजनीतिक जो वहाँ पर दल हैं कश्मीर के उन्हें हिलाकर रख दिया है आपको पता ही होगा कि परिसीमन आयोग ने परिसीमन का काम जम्मू कश्मीर में पूरा कर लिया है और मतदाता सूची में संशोधन का कार्य चल रहा है जम्मू जिला प्रशासन की ओर से एक आदेश जारी किया गया है और इसके अनुसार जम्मू जिले में एक साल से रह रहे लोगों के लिए मतदाता सूची तक की राह आसान हो गई है यानी कि आप अगर एक साल से जम्मू इलाके में जम्मू डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं तो आप अपना वोटर कार्ड यहाँ पर बनवा सकते हैं और इस फैसले ने खलबली मचा दी है सारे विरोधी दलों को कश, कश्मीर के दलों को यह लग रहा है कि अब यहाँ का समीकरण बिगड़ने वाला है जो बाहर के लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं नौकरी कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं वो सब यहाँ वोटर कार्ड बनवा लेंगे तो जो मूल कश्मीरी हैं यहाँ के उनके मतों पर वो भारी पड़ सकते हैं मंगलवार को यानी कि ये जो बीता हुआ दिन है 11 अक्टूबर को जम्मू की जिला उपायुक्त हैं अवनी लवासा उनकी ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें तहसीलदारों और जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं उनको आवास प्रमाण पत्र जानी के जारी करने के अधिकार दे दिए गए हैं कि आप किसी को भी डोमिसाइल दे सकते हैं प्रमाण पत्र जारी करने का लक्ष्य उन लोगों को मतदाता सूची में शामिल करना है जो रजिस्ट्रेशन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं इस आदेश में जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त डीसी डिप्टी कलेक्टर जिसको कहते हैं डिप्टी कमिश्नर जिसको कहते हैं अवनी लवासा ने उन दस्तावेजों की सूची भी जारी की है जिन्हें निवास के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है यानी कि इन डॉक्यूमेंट को दिखाकर आप अपना डोमिसाइल बनवा सकते हैं और केंद्र शासित प्रदेश में नए मतदाओं के रजिस्ट मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन नाम हटाने सुधारने और जगह छोड़कर जा चुके या गुजर चुके मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर विशेष संशोधन प्रक्रिया भी चल रही है इस आदेश के अनुसार जो इसमें लिखा गया है वो मैं आपको सुनाता हूं विशेष संशोधन प्रक्रिया के दौरान जम्मू जिले में पात्र मतदाता का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी तहसीलदारों को जरूरी फील्ड वेरिफिकेशन के बाद उन लोगों को आवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है जो एक साल से ज्यादा समय से जम्मू जिले में रह रहे हैं और इस आदेश में यह कहा गया है यह सामने आया था कि जरूरी दस्तावेज नहीं होने के चलते कुछ पात्र मतदाता रजिस्ट्रेशन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं दोनों चीज़ें उड़ गई हैं उन्होंने ये कहा अपने आदेश में कि कुछ लोगों को डोमिसाइल ना होने के कारण वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने में दिक्कत आ रही है इसलिए हम सब इन लोगों को अधिकृत करते हैं जिसके पास बिजली पानी गैस का कनेक्शन है या आधार कार्ड है जम्मू कश्मीर का या फिर राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक डाकघर की कोई पासबुक है उनके पास इंडिया का पासपोर्ट है किसान सहित राजस्व विभाग का कोई भूमि स्वामी तो रिकॉर्ड है कि ज़मीन वगैरह उनके पास हो रजिस्टर्ड रेंट लीज डीड जो किराएदार आपके होते हैं या किराएदार को आप देते हैं और खुद के घर के मामले में रजिस्टर्ड सेल डीड भी इसमें ली जा सकती है और इससे राजनीतिक दलों में खलबली मच गई है राज राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से भी संपर्क कर आम लोगों के बीच जागरूकता अभियान इस समय वहाँ पर चलाया जा रहा है जिससे कि बड़े लेवल पर यहाँ पर लोग वोट बनवाएं और आपको बताऊं कि पिछले दिनों यहाँ के चुनाव आयोग ने यह भी बताया था कि लगभग 25 लाख नए मतदाता अब के बार चुनाव में विधानसभा चुनाव जब होंगे जम्मू कश्मीर में उसमें एक्स्ट्रा जुड़ सकते हैं और इससे उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती सबकी नींद उड़ी हुई है पी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस आदेश को डोगरा संस्कृति को पहला झटका बताया है और महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए जारी नए आदेश से यह स्पष्ट है कि जम्मू में भारत सरकार की औपनिवेशिक बसाने की परियोजना शुरू हो गई है उन्होंने डोगरा संस्कृति पहचान रोजगार और व्यवसाय को पहला झटका दिया है एक अन्य ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बीच धार्मिक और क्षेत्रीय विभाजन पैदा करने के भाजपा के प्रयासों को विफल किया जाना चाहिए क्योंकि चाहे वह कश्मीरी हो या डोगरा हमारी पहचान और अधिकारों की रक्षा तभी संभव होगी जब हम सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है उसने कहा है कि भाजपा चुनावों से डरती है और जानती है कि वह बुरी तरह हारेगी और सरकार जम्मू कश्मीर में 25 लाख गैर स्थानीय मतदाताओं को जोड़ने की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ रही है इस कदम का हम विरोध करते हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को इन साजिशों को मतदान में पराजित करना होगा आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी परेशानी उनके सामने खड़ी हो गई है सब लोगों की हवा खराब हो गई है कि अब इस फैसले के बाद क्या होगा आप सब जानते ही हैं कुछ सीटों में आरक्षण किया गया है उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसने बरसों बरस से यहाँ पर कोई भी सीट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो यहाँ पर गुज्जर बकरवाल जो लोकल यहाँ पर पिछड़ी हुई जातियाँ हैं और आदिवासी जनजातियाँ हैं उनको किसी को भी आज तक आरक्षण नहीं लेने दिया और अब नया जब परिसीमन हुआ है उसमें नौ से दस सीटें इनके लिए आरक्षित की गई हैं तो इनको अपना वजूद खतरे में नज़र आ रहा है कि जम्मू के साथ साथ अब कश्मीर में घाटी में भी बीजेपी अपनी पैठ बना सकती है और इससे सभी इस ताज़ा फैसले से तो सबको ये लग रहा है कि बस हमारे हाथ से सरकार गई के गई दूसरी खबर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बड़े हास्यास्पद व्यक्ति हैं और जब पार्लियामेंट में वो थे उनकी बातों पर खूब ठाका लगाया जाता था जब वो लोकसभा में हुआ करते थे अब वो राज्यसभा के सदस्य हैं और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं कुछ बयान उनके सामने आए हैं और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये इन बातों का खंडन किया है कि साहब मैं मुझे सोनिया गांधी इस चुनाव में सपोर्ट कर रही हैं उन्होंने अपने स्टेट्स में साफ तौर पर ये कहा है और उन्होंने ये कहा है कि उनका नाम पार्टी की जो सुप्रीमो हैं सोनिया गांधी उन्होंने नहीं सुझाया और ना ही वो उनको समर्थन दे रही हैं सोनिया गांधी ने कभी पार्टी अध्यक्ष के लिए उनका नाम नहीं सुझाया और उन्होंने कहा कि ये कोरी अफवाह है और कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आपको बताऊं कि 17 अक्टूबर को चुनाव होगा शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे दो मैदान में हैं परिणाम 19 अक्टूबर को आएगा उन्होंने एक बयान में यह कहा है खड़गे ने कि सोनिया गांधी की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मेरा नाम सुझाने की बात महज अफवाह है मैंने ये कभी नहीं कहा और उन्होंने साफ कहा कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य न तो चुनाव का हिस्सा होगा और ना ही किसी को सपोर्ट करेगा इस इस बात पर आप बताइए कोई यकीन कर सकता है क्या आपको याद होगा के खड़गे ने यह भी कहा है कि पार्टी के सदस्यों ने प्रतिनिधियों को चुना है जिनकी संख्या तिरानवे सौ है और वे उम्मीदवारों के लिए वोटिंग करेंगे जिसको बहुमत मिलेगा वो चुना जाएगा और उत्तर प्रदेश के प्रध प्रतिनिधियों की मैं बात करूं तो वहां से 1250 वोट पड़ेंगे और मैं यहां अपनी जीत की संभावना नहीं देख रहा हूँ जिन्होंने मुझसे लड़ने को कहा है वे मेरी जीत के जिम्मेदार होंगे उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं उन्होंने कहा कि मैं एक घोषणा पत्र भी बनाने जा रहा हूँ संगठन में पचास पद पचास वर्ष से कम आयु वाले लोगों को दिए जाएंगे और अन्य जो भी घोषणाएं हैं मैं उन्हें लागू करूंगा दूसरी ओर शशि थरूर गुजरात में गए हुए हैं प्रचार करने के लिए वैसे मुझे ये सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा शुरुआत में आपको याद होगा कि अशोक गहलोत का नाम चला था पार्टी अध्यक्ष के लिए सब लोग जानते हैं कि अशोक गहलोत अगर पार्टी के अध्यक्ष बनते तो और वो चुनाव लड़ते तो सीधे सीधे सोनिया गांधी के कैंडिडेट कहलाते लेकिन उन्होंने सॉरी कह दिया कि सॉरी मैडम मैं चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि मुझे राजस्थान संभालना है और मैं राजस्थान को नहीं छोड़ने वाला हूँ सचिन पायलट का सी बनना उन्हें वहाँ पर मंजूर नहीं था तो ऐसी स्थिति में खड़गे साहब को अंतिम समय में उतारा गया जब ऐसा लग रहा था कि अगर शशि थरूर अकेले मैदान में रह गए तो फिर शशि थरूर तो सोनिया गांधी राहुल गांधी की सुनने वाले नहीं हैं अपने मूड के आदमी हैं वो पता नहीं क्या करेंगे और कांग्रेस में एक बड़ा वर्ग है जो शशि थरूर को एज ए पर्सन तो लाइक करता होगा लेकिन उनके अध्यक्ष बनने से डर रहे हैं अब देखिए खड़गे साहब कुछ भी कहते रहे कि उनके समर्थन में सोनिया गांधी कुछ नहीं कर रही हैं लेकिन आप आप दीपेंद्र हुड्डा का आज का सोशल मीडिया अकाउंट देखिए एक डेढ़ मिनट की पूरी वीडियो बनाई है और अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो खड़गे साहब को लोग वोट दें जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो खड़गे साहब को समर्थन करें क्योंकि उनके हाथ में ही पार्टी सुरक्षित रहेगी और खड़गे साहब के हाथ में पार्टी सुरक्षित रहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर जो चलना है वो सारी जो मर्जी चलेगी वो सोनिया गांधी राहुल गांधी की चलेगी दीपेंदर हुडा राहुल गांधी के खासम खास हैं और राहुल गांधी ने उन्हें राज्यसभा में भिजवाया था आप सब जानते होंगे कि क्या परिस्थितियां रही थी हरियाणा में तो आप समझ सकते हैं कि जो गांधी परिवार के खासम खास लोग हैं वो सबके सब सपोर्ट कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके वोट मांगने जा रहे हैं सोनिया गांधी जब अभी पुण्यतिथि थी, थी उनकी महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की जन्मदिन था दो अक्टूबर को सॉरी तो उस पर वो जब पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट गई थी तो उसमें साथ लेकर गई थी खड़गे साहब को शशि थरूर तो उनके साथ नहीं थे तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अगर ये कह रहे हैं कि साहब मैं सोनिया गांधी का प्रत्याशी नहीं हूँ तो इस पर तो कोई यकीन करेगा नहीं जब तक सोनिया गांधी भी अगर ये कह दें कि ये मेरे प्रत्याशी नहीं हैं तब भी कोई यकीन नहीं करेगा तो आज यही दो इंपॉर्टेंट खबरें थी आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करें मेरे व्हाट्सअप का जो ग्रुप है मेरा निजी ग्रुप जिसमें मैं व्हाट्सअप पर लोगों के जवाब भी देता हूं उसके माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब बटन के बराबर में ज्वाइन बटन है उसको क्लिक कीजिए और मेरी मेंबरशिप आप ले सकते हैं अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें